आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये आदमी बहुत ताकतवर है, बेंजामिन नेतन्याहू। सुन नहीं रहे किसी की, ना अमेरिका की सुन रहा है, ना यूरोप की सुन रहा है कि भाड़ में जाओ, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने, तुम क्या हो बे, नहीं करूंगा जो बोलोगे, नहीं करूंगा। मैंने एक कोर्स बनाया था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, 250 रुपये का है वो, जिसमें 25 लेक्चर्स, 50 किताबों का रिव्यू है। उसमें मैंने रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर का रिव्यू किया था, पूरे 48 लॉज बताए थे। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। मैंने ये एक्चुअली नोट डाउन किए हैं, ठीक है, इतना पढ़ के। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो रतन टाटा ने बोली, कुछ ऐसी चीज़ें जो किताबी हैं, कुछ स्टॉइक्स हैं, कुछ सेनेका है। लेकिन वैसे तो 50 हैं, 50 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लिखे क्या बेसिकली मेरे सामने खुले हैं। तो वैसे तो 50 बटे हम दो पार्ट में करेंगे, तो 25 चीजें हैं। पावर तो नहीं बोलेंगे, पावर थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जाएगा, लेकिन 25 चीजें। उसमें सबसे पहली चीज जिसकी हम बात करेंगे वो है कि याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, इसको कहीं नोट कर लो और लिख लो और अपने दीवार पे चिपका लो, कहीं पे भी चिपका लो, हर आर्ग्यूमेंट को तुमको अटेंड नहीं करना है। बहस होती है, फालतू फालतू चीजें पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, है ना। याद रखो कि तुम ताकतवर हो, तुमको ताकत चाहिए, और ताकत उनको मिलती है जो ताकत डिजर्व करते हैं, ठीक है। मिमिया रहे हो, भीख मांग रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच रहे हो, कोई पावर, कोई तुमको क्यों रिस्पेक्ट दे जब तुम खुद ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते। सेल्फ रिस्पेक्ट, जिस आदमी के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैंने कहीं सुना था, जिस आदमी के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके सामने अपना एटीट्यूड दिखाता है। जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, वो छोटे लोगों को परेशान करता है जो उनसे कम में होते हैं, बड़े लोगों के साथ सब में से हो जाता है। तो हमेशा याद रखना, जो बड़े, जिनके जो तगड़े, जिनका माइंडसेट बहुत ही जबरदस्त होता है, और जो सेल्फ रिस्पेक्ट जिनकी बहुत जबरदस्त होती है, ठीक है, और जो असली में ताकतवर होते हैं, वो छोटों लोगों के सामने बहुत हम्बल रहते हैं, सब में से रहते हैं, बड़े लोगों के सामने वो एटीट्यूड दिखाते हैं, और वाइस वर्सा इसका उल्टा होता है, जो जिनका सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ नहीं होता। तो तुम ये देख लो और आर्ग्यूमेंट से बचो। तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करने के लिए सब बैठे हुए हैं, समझ लो, हर आर्ग्यूमेंट अटेंड ना करो। याद रखो कि अगर इस बहस से तुमको कोई लाभ है, तुमको नौकरी मिल रही है, या कोई ऐसा इंसान है जो कुछ भी तुमको फायदा है, तभी उस आर्ग्यूमेंट पे पढ़ो, वरना किसकी सरकार बन रही है क्या, बिल्कुल मत। अपनी एनर्जी एकदम वेस्ट मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल करो। आगे बढ़ने से पहले, साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, 280 रुपये का कोर्स, अगेन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास, ये आपको बहुत कुछ बताएंगे, तो इनसे आप जुड़ सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड करें या फिर वेबसाइट विजिट करें। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि द पावर ऑफ कंट्रोलिंग, याद रखो, यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। तुम चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते हो। दो लोग रिलेशनशिप में हैं, तुमको लगता है तुम दूसरे वाले को बदल दोगे, तुम बदल जाओगे, है ना, तुम बदल जाओगे। बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, वो रिलेशनशिप में थी, नाम नहीं लूंगा, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, तो भैया जो जिनके साथ वो प्यार में थी, तो जो उनको प्यार करते थे वो तो अब बर्बाद हो गए, उनको लगता था वो उनको बदल देंगे, बाद में यही बदल गए, काफी कंट्रोवर्सी में रहती है। तो याद रखना कि यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, यू कैन ओनली कंट्रोल योर सेल्फ। उन चीजों के बारे में सोचो ही मत जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरे पास बच्चे आते हैं, सर एग्जाम खराब हो गया। अरे तो खराब हो गया तो खराब हो गया, कोई बात नहीं, आप उसको बदल सकते हो तुम जाके, क्या टाइम मशीन है कि रिवर्स करके तुम बदल लोगे, ये आंसर लगाना था दूसरा लगा दोगे, सही वाला नहीं बदल सकते, तो छोड़ो उसे। जिस चीज पर तुम्हारा कंट्रोल है, सिर्फ उसी चीज को ही कंट्रोल करो, और जिस चीज पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है उसको कंट्रोल मत करो। तुम्हारा कंट्रोल है तुम्हारे शरीर पे, तुम्हारा कंट्रोल है तुम्हारे इमोशंस पे, तुम्हारा कंट्रोल है तुम्हारे कंडक्ट पे। भगवद गीता भी हमको यही बताती है कि फल करते जाओ, कर्म की चिंता मत करो। और ये बहुत डीप चीज है, ये तो बोलने में क्या होता, सुन लिया, हाँ हाँ वाह, ताली बजा दी, अबे बोल, सुनो ध्यान से, इसको अपने खून में उतार लो कि फल करते जाओ, कर्म करते जाओ, फल कह रहा हूं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। मतलब तुम काम करो, अपना 100% दो ना। अभी मैंने रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी का रिव्यू किया, उसका क्रक्स यही था कि अब काम करते रहिए मेरे भाई, लगातार काम करते रहिए। जो सुपर रिच होते हैं ना, उनके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं। रतन टाटा के ऊपर थी, अंबानी के ऊपर है, अडानी के ऊपर है, ये कोई ऐसा, अडानी तो भाई ऐसा थोड़ी ना कि बहुत अमीर इनका परिवार था ना, रतन टाटा ने भी अपने आप को प्रूव किया। तो कैसे किया, डिवाइन ब्लेसिंग, वो कैसे आती है, ये लोग जवानी में जितना काम करते थे ना, आज उससे 10% ज्यादा ही काम करते हैं। लेकिन हमारा एटीट्यूड क्या कि एक बार नौकरी लगी बस खेल खत्म। अपने अंदर झांक के देखो,
तुमको चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर वो आदतें हैं? क्या तुम वाकई में उस काबिल हो कि वो तुमको मिले? और नहीं हो तो बनाओ उस काबिल, अपने आप को वहां तक ले जाओ। सो सेकेंड पॉइंट, उस चीज वही पे कंट्रोल लो जो तुम्हारे हाथ में है। बाकी जिस इंसानों को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी अपनी जिंदगी है। जितना तुम किसी भी चीज को कंट्रोल करना चाहोगे, वो उतनी ही तुमसे दूर जाएगी, और जितना तुम छोड़ दोगे वो उतना ही तुम्हारे पास आएगी। हमेशा याद रखना, चाहे वो इंसान हो, चाहे चीज हो, चाहे एग्जाम हो, चाहे लाइफ हो। ओके, तीसरा पॉइंट, योर हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। गुटखा खाने वाले की हेल्थ देखो, गुटखा बेचने वालों की हेल्थ देखो। ये जो बेशरम सेलिब्रिटीज हैं, ये चंद पैसों के लिए अपना ईमान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच देते, लेकिन अपना बहुत बढ़िया खाते हैं। हीरोइंस कहती हैं कि शुगर छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, और अपना ही जो है वो कोल्ड ड्रिंक बेचती हुई दिखती है। तो बेटा, ये तुमको बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं, समझो, है ना? ये जो तुमको गाली सिखा रहे हैं, ये जो तुमको फालतू की मूवीज दिखा के उल्टे सीधे सपने दिखा रहे हैं, खुद की जिंदगी इनकी सॉर्टेड है। एक एक मूवी के लिए 500-600-600 करोड़ लेते हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में क्या होता है? एनिमल जैसी मूवी में तुम उस इंसान जैसे तो बन जाओगे, कबीर सिंह जैसे बन जाओगे, लेकिन आखिरी असली में अगर तुम नजर ये सब करोगे ना, 4 तमाचे पड़ेंगे, जेल के अंदर होगे, इतने केसेस लगेंगे ना कि परिवार छोड़ो, पुछते वो लड़ते लड़ते भिखारी हो जाएंगी, समझ रहे हो? इतनी ताकत है आजकल औरतों के पास। तो ये समझो कि करना क्या है, अपने ऊपर ध्यान देना है। खैर, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया। योर हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। तुम ये जितनी भी फालतू चीजें हैं, प्रोसेस्ड फूड में मैदा आ गया, फ्रेंच फ्राइज आ गई। एक डॉक्टर साहब कह रहे थे, बहुत बड़े डॉक्टर, कि फ्रेंच फ्राइज सिगरेट से भी ज्यादा हानिकारक है। WHO ने कहा है कि एक सिंगल ड्रॉप ऑफ एल्कोहल भी इट लीड्स टू कैंसर। जो कहते हैं ना, मॉडरेशन में पियो, मत पियो। एक सेकेंड लगता है जेनेटिक, ये चेंज होगा ना जीन। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि अरे यार क्या, 4 दिन की जिंदगी, पड़ गया एक दिन हॉस्पिटल में, लिटरली भीख मांग रहा था डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब इतना दर्द हो रहा है, बचा लीजिए मुझे, तड़प रहा था वो। जब पड़ती है ना लोगों के ऊपर, तब पता चलता है, जब ठीक हो तब क्या है, लेकिन जब बुखार होता है, जब प्रॉब्लम आती है, जब हॉस्पिटलाइज्ड होते हो, तब पता चलता है कि भाई बहुत डेंजरस है ये, जिंदगी कितनी अनमोल है। तो हमेशा याद रखो, ये जितने एथलीट्स होते हैं, ये इतना लंबा जीते हैं, क्यों जीते हैं? क्योंकि इनका शरीर इनका मंदिर है। तो तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर होना चाहिए। अच्छी चीजें डालो, अफोर्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, फालतू चीजें मत खाओ। ये समोसा, जलेबी, ये सब, यही तेल बार बार यूज होता है। क्या तुमको क्या लग रहा है, हैं कि अमृत में पका रहे हैं ये, हैं या A2 घी, गाय का A2 घी यूज कर रहे हैं? वो बार बार उसको, वही तेल को, सैचुरेटेड फैट है वो, जो डायबिटीज कैपिटल, 5 में से 3 भारतीय डायबिटीज है, हम डायबिटीज कैपिटल है, वो बात अलग है, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डायबिटीज कर लेंगे। और वैसे भी हम जेनेटिकली ज्यादा वल्नरेबल हैं बीमारियों के। तो योर हेल्थ इज योर रियल वेल्थ, तीसरा पॉइंट है। जितना ज्यादा तुम शरीर को हेल्दी रखोगे, उतना ही आगे जाओगे। अभी मैं बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा था, लाइफ स्पैन, कुछ किताबें कंपलसरी होनी चाहिए, कोर्स की नहीं, ये किताबें पढ़ानी चाहिए, बहुत टफ किताब है, लेकिन वो आपकी जिंदगी बदल देगी। वो किताब को पढ़ेगा, देखिए यहाँ पे पढ़ी होगी मेरे पास, है ना, नहीं, यहाँ पे नहीं, लाइब्रेरी में मेरी। चौथा पॉइंट, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लीप। बस अच्छा सो, जितना हो सके सो। मैं बहुत जल्दी एक पॉडकास्ट लाने वाला हूँ, ठीक है, डॉक्टर ध्रुव के साथ, जो कि स्लीपिंग एक्सपर्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, PhD है उनकी। सोना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तुम्हारी बॉडी की रिकवरी होती है, असली ताकत यहीं से आती है, जी तोड़ काम करो। ये बहुत ही बकवास घटिया स्टेटमेंट है कि मैं 18-18, 20-20 घंटे काम करता हूं। भाई नरेंद्र मोदी काम कर सकते हैं, क्योंकि वो, उसकी ट्रेनिंग है उनको, हम लोग नहीं कर सकते। वो लगातार ऐसे ही काम करते आ रहे, तो उनका दिमाग ट्रेन है। और आपको नहीं पता नरेंद्र मोदी का लाइफस्टाइल क्या है, तुम्हारे पास वो चीज नहीं है। 8 घंटे 10 घंटे की नींद लो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी रिकवरी मोड में जाती है, हर एक चीज की रिकवरी। कोलाजन तुम्हारे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कोलाजन पता है तुमको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है कि बहुत लोग कोलाजन ले लेते सप्लीमेंट ना, डीप स्लीप ले लो, कोलाजन इनफ मात्रा में प्रोड्यूस हो जाएगा। तुम्हारी बॉडी सब कुछ इनफ मात्रा में प्रोड्यूस करती है, बस फॉलो करो रूटीन को। तुमको बाहर से कोई भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी गुरु, समझ रहे हो? पांचवी जो सबसे ताकत, सबसे बड़ी ताकत है, और ये इतनी बड़ी ताकत है दोस्तों,
कि बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं वो है काइंडनेस। रतन टाटा, क्यों इनको इतना लोग प्यार करते हैं? क्योंकि ही वॉज काइंड टू एवरीवन। सो बी काइंड टू एवरीवन, इस पे दांव लगाओ काइंडनेस पे। पता है क्या होगा? एक इंसान एक तमाचा मार रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है, दूसरा इंसान प्यार से उसको उठा रहा है, वो इंसान उसका मुरीद हो जाएगा। इस दुनिया में हर किसी को प्यार प्यार चाहिए। इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, चाणक्य ने कहा था। गुरु चाणक्य ने, मैं आपको एक और किताब रिकमेंड करूंगा, बहुत अच्छी राधा कृष्णन की किताब है, ये आप पढ़ सकते हैं, चाणक्य नीति। अभी मैं इसको खत्म कर रहा हूं। तो चाणक्य ने कहा था कि जो अच्छा इंसान होता है ना, उसकी खुशबू जो है वो सारी फिजाओं में फैल जाती है। हाँ, इस दुनिया में महान कौन हुआ है? कौन? सम्राट अशोक, वो अच्छे थे। कलिंग वॉर के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ, आज तक उनको याद किया जाता है। बुद्ध, आज तक उनको याद करते हैं। जितने धर्मगुरु, महाअवतार बाबा से लेकर रमण महर्षि से लेकर स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस से लेकर, क्योंकि ही वॉज काइंड। द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ थे कि कौन थे, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूं, लेकिन वो रामकृष्ण परमहंस से बहस करने आए। तो रामकृष्ण परमहंस आए और वो नास्तिक थे, तो जैसे ही रामकृष्ण परमहंस के पास बैठे तो रामकृष्ण परमहंस जो भी वो सवाल पूछ रहे थे, बहुत तारीफ कर रहे थे रामकृष्ण, वाह क्या बात है, वाह बेटा वाह। कंफ्यूज हो गया बंदा कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, व्हाट द हेल इज हैपनिंग। बोले सबसे बड़े भाई तुम ही मेडिटेटर, सबसे सबसे धर्म का पालन, क्योंकि जो तुमने सोचा है, जो तुमने ठाना, वो तुम कर रहे हो, तुमको अपनी बात पे भरोसा है, तुम डबल माइंडेड नहीं हो। और बाद में वो सोचा उन्होंने ये चीज, वो सोचते रहे और अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म हो गए। तो काइंडनेस एक ऐसा टूल है ना जो पूरी दुनिया को तुम्हारी तरफ कर देगी, क्योंकि इस दुनिया में इंसानियत है। बैड एक्सपीरियंस होते हैं, 100 में से जरूरी है कि हर कोई इंसान आपको अच्छा मिले। हर किसी, गांधी जी को ट्रेन से उठा के फेंक दिया था भाई, बट ऐसा नहीं है, लाखों लोगों ने उनको प्यार भी किया। तो हो सकता है एक इंसान खराब मिल जाए, बट इसका मतलब क्या सब खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बी काइंड, ये कैसा इमोशन है ना जो आपको ऐसी जगह पहुंचा देगा कि आप, क्योंकि ये यूनिवर्स आपकी मदद करता है। यूनिवर्स उन्हीं की मदद करता है जो अच्छे होता है, गुरु याद रखना, जिनका दिल साफ होता है। तुम जरा अपने अंदर झांक के देखना कि तुम वाकई साफ हो कि सिर्फ नाटक कर रहे हो। जरा देखना, अपने कंडक्ट को वॉच करो, समझ रहे हो? तो ये चीज है। उसके बाद पांचवा, छठा, सो एक्सपीरियंस ओवर पोजीशंस। याद रखिएगा, जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, जो आप एक्सपीरियंस करते हो, उससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं है। ये आपको बहुत आगे ले जाएगी, क्योंकि जो मेमोरीज होती है ना, वो बहुत लंबे समय तक चलती है। अभी एक रिसर्च में आया है कि आप जितना ज्यादा ट्रैवल करोगे, आपकी एज उतनी कम हो जाएगी। आप समझ रहे हो? आप उतने कम, आप मतलब रिवर्स एजिंग पे चले जाओगे। क्यों? पॉजिटिव एक्सपीरियंस से डोपामिन निकलता है। आप समझ रहे हो? पॉजिटिव एक्सपीरियंस से डोपामिन निकलता है। पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा फील कराता है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, सकारात्मक ऊर्जा। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जाइए, दुनिया देखिए, लोगों से बात करिए, एक्सपीरियंस लीजिए। नरेंद्र मोदी के पास कुछ नहीं था, बट एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त था उनका, इंसानों का। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी, बुद्ध, ये जितने भी महान महान लोग आए हैं, मैं पॉलिटिशियंस को महान नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो धर्मगुरु भी हैं, आदि शंकराचार्य ने पूरी दुनिया घूमी, पूरा भारत घूमा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को यूनाइट किया मठ बना के। कैसे, क्यों, कैसे हुआ ये? How this happened? Experience. So ये सबसे जबरदस्त चीज है, ठीक है। सातवां, जो एक बहुत ही शानदार ट्रिक होती है, रिग्रेट हम बहुत करते हैं। जब भी तुम ये चीज देखो, हमेशा याद रखो और एक सवाल पूछो अपने आप से कि क्या 5 साल बाद ये मैटर करेगा? Will this matter in the next 5 years? ये सवाल। क्यों? 5 साल पहले चलो, जो चीज तुमको परेशान कर रही थी वो आज क्या तुमको परेशान कर रही है? हमेशा आगे का सोचो। 5 साल बहुत हो गए, 5 महीने ही सोच लो कि 5 महीने बाद ये चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। रिजल्ट आने वाला है 1 महीने बाद, 4 महीने बाद रिजल्ट आ चुका होगा, जिंदगी अलग होगी। तुम्हारे हर दिन करोड़ों सेल मरते हैं, करोड़ों सेल जिंदा होते हैं। कहते हैं ना कि जो आज तुम इंसान हो, कल रहोगे नहीं, कल नए इंसान हो। तो हमेशा इस चीज को याद रखना, जो भी चीज तुम आज कर रहे हो ना, वो अगले 1-2 साल में कोई मैटर नहीं करने वाली, भूल जाओगे। अभी हो सकता है तुमको बहुत दर्द हो, ये दर्द भगवान देता है,
दर्द से ही तो बनोगे, कमाल। तो ये चीज है। और अगला आठवां, ना कहना सीखो, इट इज वेरी मच नेसेसरी। भाई पैसे दे दो, नहीं यार है नहीं मेरे पास, आई एम सॉरी, पैसे वापस नहीं आएंगे। जेन्युइन प्रॉब्लम है किसी को दे दो, कोई अगर जेन्युइनली जिसको मदद चाहिए उसको दे दो, और ये मत सोचो कि वापस करेगा नहीं करेगा। लेकिन जो फर्जी में मांगते हैं ना, उनको पैसे बिल्कुल मुंह पे मना करो। और अगर वो इस चीज से रिश्ता, भाई तुमको इतनी शर्म नहीं है, मतलब तुम एक काम बात बताओ कि कई बार लोग पैसे की वजह से, पैसे नहीं दे रहे हो तुमको बुरा भला कहेंगे, तुमको इतनी शर्म नहीं है कि पैसे की वजह से तुम रिश्ता खराब कर रहे हो, और हमको ये सोचना है कि नहीं रिश्ता खराब ना हो जाए तो हम पैसे दे दे। क्या विडंबना है, क्या पैराडॉक्स है। तुमको इतनी शर्म होनी चाहिए, तुमको खुद सोचना चाहिए कि पैसे नहीं मांगने, या कोई भी फेवर जो सामने वाला भी वो केपेबल उतना नहीं है। ना कहना सीखो, अगर बहुत ज्यादा बिजी हो, चाहे कोई भी हो, ना कहो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। मुश्किल है ये सब, लेकिन यार देखो ये चीजें करनी पड़ेंगी तभी आगे बढ़ोगे। नहीं करोगे तो फिर किसी को क्या ही फर्क पड़ रहा है, दूसरे राउंड के चले जाएंगे। किसी को तुम्हारी नहीं पड़ी है मेरे बेटा, सब आगे जाएंगे रौंदते हुए, ऐसे ही दुनिया चलती है। तो अपने आप के बारे में सोचो, दूसरों के बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचो, पहले अपने आप को ऊपर उठा। शाहरुख खान कहते ना कि पहले फिलोसफिकल तब हो जब तुम्हारे जेब में पैसा हो, तो फिलोसफी झाड़ो पूरी दुनिया सुनेगी, एक फकीर का कोई नहीं सुनता, ठीक है ना। तो ना कहना सीखो, ना कहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नौवा, पढ़ो जितना हो सके, नॉलेज, नॉलेज इज पावर। गेम ऑफ थ्रोन्स में था ना डायलॉग, नॉलेज इज पावर। उधर सरसी कहती है वो कौन होता है वो लॉर्ड बेलिश कहता है नॉलेज इज पावर, तो सरसी कहती है कि पकड़ो इसको गला काट दो, जैसे गला काटने वाले होते हैं वो रुक जाती, कहते पावर इज पावर। लेकिन नॉलेज इज एक्चुअल पावर, क्यों? क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स में ही टिरियन लैनिस्टर क्यों बचता है, अपनी नॉलेज की वजह से। वो हमेशा पढ़ता रहता है और आखिरी में वही तो जीतता है। तो वही है, बी आर अम्बेडकर ने ज्ञान की वजह से पूरी दुनिया को झुका दिया। उनके पास इतना ज्ञान था, दुनिया भर का ज्ञान था। पॉलिटिक्स में जो टॉप पे लोग होते हैं वो ज्ञानी होते हैं, देख लो आप, जो टॉप शीट्स पे जो मिनिस्टर्स, लोगों को लगता है अरे मैं इतना यहां पे गुंडाई करके छिटपुट्टा नेता बन जाऊंगा, इसको मार दूंगा उसको मार दूंगा, तो मैं कुछ नहीं बनोगे तुम बेटा, कुछ भी नहीं बनोगे। तुमको शीर्ष तक कभी पहुंचाएंगे नहीं क्या, इसलिए पहुंचा देंगे कि तुम बहुत बढ़िया, बहुत गुंडई हो तुम, या बहुत बड़े बाहुबली ना। कितने लोग हैं ऐसे, क्या अंत हुआ उनका? जो शीर्ष पे बैठते हैं वो नॉलेजेबल होते हैं, उनके पास ज्ञान होता है। तो शीर्ष पे जाना है तो ज्ञान लाना है, बस इतना समझ लो, ठीक है ना। दसवां, वैलिडेशन के लिए मत मरो। वैलिडेशन इस दुनिया की सबसे घटिया चीज होती है, वैलिडेशन वैलिडेशन, पूरी इंस्टा इसी पे चल रहा है। एक लड़की ने बढ़िया सी रील बनाई, तुम लगातार फालतू कमेंट करे जा रहे हो, वैलिडेशन दे रहे हो। जिस दिन वैलिडेशन देना बंद कर दोगे ना, उस दिन सब अपने घुटनों पे आ जाएंगे। फ्रेंड जोन इसीलिए तो होते हैं। आप देखो, आप जिससे जिसको बहुत प्यार करते हो, गुड मॉर्निंग बाबू, मेरे बाबू ने थाना थाया, थाना पहुंचा देगी तुमको किसी दिन। तो ये सब नहीं है, ये क्या वैलिडेशन दे रहे हो? चार दिन मैसेज मत करो, पलट के मैसेज आएगा, अब बोलोगे अरे उसने मैसेज किया, यानी कि प्यार करता है या करती है। अरे कुछ नहीं करती है भाई, उसको वैलिडेशन चाहिए बस। तो इससे बचो, वैलिडेशन से दूर रहो, खुद से प्यार करना सीखो, ठीक है। जैसा हूं वैसा हूं, जो करूंगा वो करूंगा, जैसा रहूंगा वैसा रहूंगा। अब ये गलत तरीके से मत लेना इसको, पॉजिटिव तरीके से। अच्छी जिंदगी जियो मेरे दोस्त, अच्छी जिंदगी, ठीक है। ग्यारहवां, हंसो खुश रहो। बुद्धास ब्रेन किताब में लिखा है, बुद्ध कहते कि सबसे जरूरी खुश रहना। आज आप देखते हो कि बड़े बड़े लोग खुश नहीं है, इतना पैसा है तब भी मरे जा रहे हैं पैसे के लिए, डिप्रेशन है उनको। एलॉन मस्क से पूछा था कि क्या एलॉन मस्क बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोला कि भाई एलॉन मस्क मत बनना, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं एलॉन मस्क मत बनना, डिप्रेशन है बंदे को। इब्राहिम लिंकन को ताम्र डिप्रेशन रहा। छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करो, शाम को एंजॉय करो, सुबह को एंजॉय करो, दोपहर और इसको एंजॉय करो, एंजॉय करो। हर वक्त एंजॉय नहीं कर सकते, मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो एंजॉयबल मोमेंट्स है दिन में एक टाइम तो ऐसा बना जब तुम अपने एंजॉयमेंट के लिए रखो। हंसो, अच्छे लोगों से दोस्ती करो, तो चीजें बहुत बढ़िया होंगी, ठीक है। हमेशा याद रखना। अगला पॉइंट, ये भूल जाओ कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। फॉरगेट दिस, जो दूसरे सोचते हैं,
छोड़ दो उनको, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, है ना। द पावर ऑफ साइलेंस, अगला पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिसन मोर देन यू स्पीक। 80% सुनो, 20% बोलो, ऑब्जर्व करो। बोलने से बहुत कुछ पता लगता है, अगले इंसान की मंशा क्या है, अगला क्या चाहता है, डिकोड करो, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है नहीं है। सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाणक्य जो है वो सारे मंत्री को बुलाता था, सुनते थे, सिर्फ सुनते थे कौन क्या है, उसी हिसाब से पता चल जाता था कि इसके मन में क्या है। कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट आएगा जहां इंसान टूटता है, ठीक है। बोलो कम, ज्यादा बोलने वाले बेवकूफ लगते हैं तुम्हारे सामने, अरे वाह 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 बहुत बढ़िया, बाद में पीछे पीठ पीछे मजाक उड़ाते तुम्हारा, हंसते हैं तुम्हारे ऊपर। तो बोलना सही नहीं है। एक मिनट जरा रुकिएगा, माफ कीजिएगा जरा, ठीक है, बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं। अगला पॉइंट, ठीक है, चौदहवां, कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस से आता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस ज्ञान से आता है, कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन से आता है, कॉन्फिडेंस पब्लिक स्पीकिंग से आता है। तो कॉन्फिडेंट रहो, ये सारी चीजों को अपने अंदर लेके आओ, तभी होगा। अगला पॉइंट, माइलस्टोन्स के पीछे भागो, लेकिन आखिरी सीढ़ी में कूद के नहीं जाओगे तुम, चोट लग जाएगी, एक एक सीढ़ी चढ़ के जाओ। माइलस्टोन बड़ा बनाओ कि एक्चुअल में तुमको कंपनी को यूनिकॉर्न बनना है, लेकिन फिलहाल मुझे एक महीने का क्या प्लान है। छोटे छोटे टारगेट्स लो और उसको पूरा करते रहो। अगला पॉइंट 16, गॉसिप को हर तरीके से अवॉइड करो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये तुमको बर्बाद कर देगी, ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी। तुम जिससे गॉसिप कर रहे हो वो तुम्हारे बारे में भी गॉसिप कर रहे हैं, तो हमेशा यू नो दूर रहो इससे, ठीक है। उसके बाद माफी मांगो कभी कभी। अगला पॉइंट, कभी कभी अगर लगता है कि माफी मांगने से कोई रिश्ता बन रहा है, माफी मांग लो, बच रहा है। कभी अगर तुमको लगता है कि यार माफी मांगना जरूरी है, माफी मांग लो, तुम्हारी गलती, माफी मांग लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। रतन टाटा कहते थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, अपने आप को कभी कंपेयर मत करो। तुम्हारा चैप्टर बने दूसरे का चैप्टर 20, डू नॉट कंपेयर। तुमको नहीं पता किसी की जिंदगी कैसी है, सोशल मीडिया भ्रम है, उससे उठो। जो भी तुमको परेशान कर रही है उसको अनइंस्टॉल कर दो, चाहे वो फोन में हो चाहे वो लाइफ में हो। अगला पॉइंट, अकेले रहना सीखो। इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोग वो होते हैं जो अकेले होते हैं, है ना। वुल्फ डज नॉट परफॉर्म इन अ सर्कस, लायन डज। वुल्फ अकेले हैं, टाइगर सबसे तगड़ा अकेला। सो अकेला चलो रे, कोई बात नहीं, चीजें आएंगी, है ना। अगला पॉइंट, कुछ परमानेंट नहीं है, चीजें बदलती रहती हैं, आपके ट्रबल्स भी परमानेंट नहीं है, अप्स एंड डाउन्स है। रतन टाटा कहते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स पार्ट ऑफ लाइफ है। सीधी लाइन मतलब ईसीजी में क्या होता है, मतलब जो सीधी लाइन मतलब खेल खत्म, जिंदगी गई, तो सीधी लाइन कभी नहीं होनी चाहिए, अप्स एंड डाउन्स होने चाहिए, है ना। तो ये चीज है। अगला पॉइंट 20th, 20वां ही है ना, ऐसा तो नहीं। एजिंग मत डरो, बहुत लोगों को मैंने देखा कि मौत से डरते हैं, उम्र बढ़ रही है उससे डरते हैं। भाई ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, याद रखना, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर तुम जिंदा हो तो मरोगे ही, और ये मान के चलो, ये माइंड मेकअप करके चलो कि कोई कभी भी जा सकता है। इसके लिए अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखो, डेथ इज द अल्टीमेट गोल। बस ये है कि मौत और जन्म और मृत्यु के बीच में ये जो जर्नी है वो कितनी खूबसूरत होती है, बस फोकस इस पे करो, ठीक है ना। अगला पॉइंट, एक खराब दिन ऐसा नहीं है कि खराब लाइफ है, हो सकता है दिन बहुत खराब गया, हो सकता है कोई डील कैंसिल हो गई। भाई रतन टाटा का एग्जांपल लो, 1998 में कैसे बिल फोर्ड ने उनकी बेइज्जती की थी इंडिका के ऊपर, कि भैया काहे तुम कार, जब तुम्हारी औकात नहीं है कार निकालने की तो काहे कार निकालते हो। 10 साल बाद उन्हीं की कंपनी खरीद ली। तो जरूरी नहीं है कि हो सकता है दिन खराब हो, तो खराब दिन का मतलब नहीं कि जिंदगी खराब होगी, हमेशा इस चीज को याद रखना, ठीक है। अगला पॉइंट याद रखना, सक्सेस इज नॉट लीनियर, ठीक है, मैं क्या बताता हूं, वही सीधी लाइन नहीं है, वो अप्स एंड डाउन आएंगे ही आएंगे, तो उसके लिए तैयार रहना। अगला पॉइंट, ट्रू सक्सेस इज द पीस ऑफ माइंड। सबसे अच्छी सक्सेस वो है जब सैटिस्फैक्शन मिले,
इससे बढ़िया चीज कोई नहीं, तो वो चीज करो जो तुमको पसंद हो, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, यू आर अ वर्क इन प्रोग्रेस, है ना, और इसके ऊपर काम करो। क्विक डिसीजन नहीं लो, इंपल्सिव डिसीजन नहीं लो। कोई भी चीज अगर तुम्हारे पास आए, पांच मिनट नहीं, शुरुआत में अगर मान लो कोई इमोशनली इंट्रीगिंग कोई चीज हो तो वेट फॉर 3 to 4 hours, और अगर कोई बहुत बड़ी डील है तो 1 to 2 days, फिर तुम इमोशन सबसाइड होते हैं और तुम्हारा लॉजिकल माइंड काम करता है, तो हमेशा ये रखो। अगला पॉइंट, द ग्रेटेस्ट करेंसी टाइम, वक्त। वक्त को बर्बाद मत होने दो, थोड़ा बहुत करो, जानबूझ के करो, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद हो रहा है तो ये डेंजरस है, क्योंकि वक्त निकलेगा, यूं निकलता है वक्त, और जब तुम देखोगे ना कि वक्त के साथ लोग आगे बढ़ गए, मैं ही पीछे रह गया, तो बहुत दिक्कत होता है, वक्त ही खुदा है, याद रखो। अगला पॉइंट, द लिटिल थिंग्स आर बिग, याद रखना, छोटी छोटी चीजें बड़ी चीज होती हैं। तुमको लग रहा है कि छोटी छोटी चीज मैं क्या, मेरे काम आने वाली है, आज मैं इनके काम कर रहा हूं क्या फर्क पड़ेगा, यही तुमको बहुत बड़ा बनाएंगी। तो हमेशा याद रखना, लिटिल थिंग्स आर एक्चुअली द बिगेस्ट थिंग, ठीक है, ये चीज है। अगला पॉइंट, इन्वेस्ट इन मेमोरीज एंड पीपल, बढ़िया लोगों में इन्वेस्ट करो, अच्छे रिलेशन बनाओ, आई बेट यू चीजें बहुत बेहतरीन हो जाएंगी। अगला पॉइंट, जब जागो तभी सवेरा, गिरो उठो, हमेशा दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। थॉमस एल्वा एडिसन के हजारों बिजनेस फेल हुए, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से उन्होंने खड़ा किया बिजनेस को। डोनाल्ड ट्रंप 3 बार बैंकरप्ट हुए, कोई दिक्कत नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट ओवर, और ये चीज रखो कि होगा, यू नो, चीजें होंगी। अगला पॉइंट, मोमेंट्स को चेरिश करो, जब मैंने आपको पहले भी बताया था, माइलस्टोन्स को नहीं। अगला पॉइंट, आई लव यू ज्यादा बोलो, जितना ज्यादा, जितनी बार आई लव यू बोलोगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है ना, तो हमेशा इस चीज को याद रखना। अगला पॉइंट, सिंप्लिसिटी, जितना सिंपलर रहोगे उतना अच्छा है, इट इज द की टू हैप्पीनेस, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट थिंग, बहुत तड़कना भड़कना नहीं है, जो तुमको हो पसंद वही बात करो बस। तो ये 25 पॉइंट्स थे, आई होप, हो सकता है 1-2 पॉइंट्स मिस हो गए हो, समझ में आए होंगे, तो बस इन चीज़ों को फॉलो करो और कमाल करो। थैंक यू सो मच।